मैं कृष्णा भारद्वाज, प्रत्याशी आम आदमी पार्टी 124 शहर विधानसभा बरेली से हूँ और हम आज नामांकन कराने आए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कहीं पर भी इलेक्शन लड़ रही है तो वो दिल्ली मॉडल को लेकर इलेक्शन लड़ रही है। दिल्ली मॉडल है कि जिसने स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, बुजुर्गों की पेंशन और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है, तो वो मॉडल हम यूपी में भी लागू करेंगे, बरेली में भी लागू होगा। साथ ही यदि जनता मुझे मौका देती है तो एज ए प्रतिनिधि मेरे शहर की अपनी भी बहुत समस्याएँ हैं जिसमें कि सड़क है, पानी है, बिजली है, सुरक्षा है। देखिए, जनता को यही बेसिक समस्याएँ होती हैं और जिन पर जनप्रतिनिधियों का काम करना होता है, तो हमारे शहर के नीचे पायदान पर भी खड़े हुए व्यक्ति को हम क्या बेसिक सुविधाएं मुहैया कराए पाएं, यही हमारा मकसद है। किसी से अपनी टक्कर मानती है? देखिए, टक्कर आपकी हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी से ही होती है कि मौजूदा टाइम के विधायक ने या मौजूदा सरकार ने आपके लिए क्या किया है, और टक्कर आपकी वहीं पर होती है, आप वहीं उन्हीं को आप रिप्लेस करते हैं और आगे जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि मेरी पार्टी, मतलब जो मेरी जो लड़ाई है वो सत्तारूढ़ पार्टी से ही है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने यहाँ पे आकर रोड शो करा, रैली करी, जनसंपर्क करा, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी यहाँ पे क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने कोई जनसंपर्क नहीं करा? जी देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है पढ़े लिखों की पार्टी मानी जाती है। जब इस बार चुनाव आयोग की गाइडलाइंस यदि यहाँ पर ये हैं कि आप 5 व्यक्तियों से ज़्यादा डोर टू डोर नहीं करेंगे, तो हम लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं। वर्चुअल रैली में कहीं ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। आज का टाइम जो है वो सोशल मीडिया और इंटरनेट का टाइम है। आम आदमी पार्टी जो है उसी तरीके से काम करना चाहती है, तो उसमें क्या होगी, वर्चुअल रैली में हम लोग अपनी सारी माध्यम से बातें कह रहे हैं। आज के टाइम में तमाम सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम का माध्यम है जिससे आप लोगों को कोरोना फैलाए बगैर भी अपनी बातें कह सकते हैं। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी की जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लखनऊ में कोरोना की गाइडलाइंस के आते पहले उन्होंने एक बड़ी रैली बिछा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।